उल्लासनगर में अधिकांश शौचालयों के निर्माण के काम निकृष्ट दर्जे के हुए हैं। इसके अलावा यहां ना तो शौचालयों में दरवाजे हैं ना तो पानी की सुविधा। आइए लेते इस पर अधिक जानकारी समाज सेवक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। ये जो अड़ार कॉलोनी मेरी मिसेज का वार्ड है, अभी 1.5 से 2 साल हुए यहाँ के एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ, जिसके छत अभी पूरा गिर रहा है, हाउस पाइप से पूरे जो है पानी टपक रहे हैं, दरवाजे एक कम से कम 15 दरवाजे टूट चुके हैं, लोग वहाँ पर फलियाँ लगा करके शौचालय कर रहे हैं। इसके लिए हम आप कम से कम 4 महीने से अपना PWD का इंजीनियर संदीप यादव, शिवाजी और CT इंजीनियर से हमने संपर्क किया, यहाँ तक कि आमदार के साथ हमारा कमिश्नर साहब से भी इसके लिए मीटिंग हो चुका है। 2 महीना कमिश्नर के बोलने के बाद भी आज तक जो है इस शौचालय में दरवाजे लगा ना इसका रिपेयर हुआ। अब ये बताइए, इस तरह से सार्वजनिक शौचालय की ये कंडीशन है कि लोग वहाँ पर फल्ली लगा करके और शौच करते हैं, इसका कौन जवाबदार है? छत आज गिर रहा है, उसका प्लास्टर गिर रहा है, कल स्लैब गिर जाए, किसी प्रकार की हादसा हो जाए, उसका जवाबदार कौन? इतने बार बोलने के बाद भी महानगर पालिका का PW डिपार्टमेंट यह काम यहाँ का नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हमारा एक ही अभी जिद है, अगर 15 दिन के अंदर इसके दरवाजे नहीं लगेंगे और इसका रिपेयर नहीं होगा तो 1 मार्च के बाद जो है मैं और मेरी मिसेज जो है कि नगर सेविका थी, महानगर पालिका के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसमें हमारे वड़ार कॉलोनी की जनता भी शामिल रहेगी। वैसे आज हमारा 4 बजे कमिश्नर साहब से मीटिंग है, अगर उनका पॉजिटिव आंसर आए तो ठीक, नहीं आए तो 1 मार्च के बाद हम भूख हड़ताल पर बैठने का आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे आज़ाद नगर के रोड जो है, जो इंडस्ट्रियल एरिया का रोड भारत मार्बल से अंबेडकर चौक का रोड है और शिवसेना शाखा से लेकर के और मालगी चौक का रोड, दोनों रोडों की हालत बहुत ही दयनीय है। यह हम 3-4 विषयों के साथ और पांडुरंग पवार के जो गांधीनगर में वो भी शौचालय गिरने के कगार पर है, ये 5-6 जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे लेकर के हम 1 मार्च के बाद भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। अगर प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मेरा आंदोलन तब तक चलते रहेगा जब तक वो लोग हमें पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा। ये जो शौचालय के दरवाजे टूट गए तो लोग कैसे बचेंगे? यहाँ पर लोग जो है आप देखेंगे टूटे हुए दरवाजे की जो फलियाँ हैं वो फलियों को लगा करके ही वहाँ बैठते हैं, और नहीं तो ऐसे खुले ही शौच में बैठते हैं लोग, वो हमारे यहाँ के लोगों की एक कंडीशन है। यहाँ तक कि महानगर पालिका को शर्म नहीं आती है, यहाँ के जो इंजीनियरों को डूब के मर जाना चाहिए कि ये टैक्स भरने के बाद भी जनता इस तरह से बैठ रही है। एक नगर सेवक का कंप्लेन होने के बाद भी ये लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहीं दूसरे वार्डों में जो नगर सेवक दबंग है, जो उनसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो बराबर काम करते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा होने के नाते उससे कायदे से बात करने के बाद हमारा ये हाल है, हमारे वार्डवासियों का ये हाल है। इसलिए मेरे पास, मैं गांधी नीति से चलता हूँ और मैं गांधीवादी नीति से 1 मार्च के बाद मेरा आंदोलन चालू रहेगा। तो बाथरूम तो पूरा पानी गलता है, दरवाजा पर नहीं, बहुत गंदा करता है माई लोग भी। बाथरूम का दरवाजा सब टूटेला है और नल भी सही नहीं है और सब दरवाजा नीचे से ऊपर सब एक भी सही नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।